Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 71 from CAT 2018 paper. Now we'll look at the question. So the question says, a company administers a written test comprising of three sections of 20 marks each, DI, written English, and general awareness for recruitment. A composite score for a candidate out of 80 is calculated by doubling her marks in DI and adding it to the sum of her marks in other two sections. मतलब DI का जो 20 है वो 40 बना दिया, बाकी दोनों का 20 20, रिटन इंग्लिश और GK का, एंड टोटल 80 मार्क्स का कंपोजिट स्कोर बनता है. कैंडिडेट्स हु स्कोर 70% मार्क्स इन टू हु स्कोर लेस देन 70% मार्क्स इन टू और मोर सेक्शंस आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अमॉन्ग द रेस्ट द फोर विद द हाईएस्ट कंपोजिट स्कोर्स आर रिक्रूटेड. इफ फोर और लेस कैंडिडेट्स क्वालिफाई, ऑल दोज हु आर क्वालिफाइड आर रिक्रूटेड. ठीक है, तो 10 कैंडिडेट्स अपीयर्स फॉर द रिटन टेस्ट एंड देयर मार्क्स इन द टेस्ट आर गिवन बिलो. सम मार्क्स इन द टेबल आर ऑब्वियसली मिसिंग बट द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये टेबल है. ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड द कंपोजिट स्कोर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट सो दैट वी कैन फाइंड द टॉप फोर स्कोरर्स हु विल बी फाइनली रिक्रूटेड. ठीक है, तो हमारे पास ये तीन तो हैं ही. हमारे पास ये टेबल में DI, रिटन इंग्लिश और GK. हम एक और इसमें कॉलम ऐड कर देते हैं. लेट्स से वी आर एडिंग इट ऑन द लेफ्ट साइड, या फिर इसको राइट साइड में ऐड करते हैं. वेट, ठीक है, लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा. लेफ्ट साइड में लेट्स से हेयर आई एम एडिंग अ कॉलम विद रेड कलर कंपोजिट स्कोर करके, कॉम्प करके मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया इन दिस टेबल. ठीक है, ये कंपोजिट स्कोर आएगा लेफ्ट साइड पे. ठीक है, तो हम इसमें से अभी किस किस का कंपोजिट स्कोर निकाल सकते हैं. एक तो हम चेतना का निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो ऑल द थ्री वैल्यूज. ठीक है, तो चेतना का कंपोजिट स्कोर क्या हो जाएगा. वी नो दैट कंपोजिट स्कोर इज फाउंड बाय डबलिंग द स्कोर ऑफ DI एंड देन एडिंग द स्कोर्स ऑफ इंग्लिश एंड GK. तो डबलिंग ऑफ 19 कितना हो जाएगा, 38 प्लस 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 54. चेतना का 54 हो जाएगा स्कोर. एंड ये क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है. वी नो दैट पीपल हु स्कोर लेस देन 70% मार्क्स इन टू और मोर सेक्शंस. सो व्हाट इज 70% ऑफ 20, इट्स 14. सो 14 से कम जिसके मार्क्स हैं इन टू और मोर सेक्शंस, दोज आर डिसक्वालिफाइड. तो हमें पता है ये चेतना के दो सेक्शंस में लेस देन 14 है, सो शी इज डिसक्वालिफाइड. ये हमें पता है डिस्क्वालिफाइड है. हम डी से करेंगे डिस्क्वालिफाइड और फिर क्यू से क्वालिफाइड. ठीक है, तो हमें पता है चेतना इज डिस्क्वालिफाइड. ठीक है, और किसका हम कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टर का. एस्टर का कितना हो जाएगा, 12 का डबल 24 प्लस 18 प्लस 16. 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 18 58. एस्टर का 58 स्कोर है और वो क्वालिफाइड भी है क्योंकि उसके दो में 14 से ज़्यादा है. शी इज क्वालिफाइड ऑल्सो. फलक का हम निकाल सकते हैं, फलक का कितना जाएगा, 15 इंटू टू 30 प्लस 10 प्लस 7 47. एंड वी नो दैट शी इज डिसक्वालिफाइड बिकॉज उसके दो में 14 से कम मार्क्स हैं. ठीक है, और किसी का हम अभी निकाल नहीं सकते हैं बिकॉज सिर्फ यही दो हैं, सिर्फ ये तीन थे सॉरी, जिसका हमारे को तीनों वैल्यूज पता है सो दैट वी कैन फाइंड द कंपोजिट स्कोर. अब आगे क्या लिखा है इसमें, फॉलोइंग कंडीशंस आर नोन. पहली कंडीशन क्या है, नो टू कैंडिडेट्स हैव द सेम कंपोजिट स्कोर. ओके, सेकंड सेज
अजय वॉज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यू विच इज रिटन इंग्लिश. तो अजय का हाईएस्ट स्कोर था एंड यूनिक था. वी नो दैट एस्टर ऑलडी हैज 18, सो अजय कैन हैव इधर 19 और 20, इनमें से एक होगा क्योंकि 18 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट वी डोंट नो विच वन येट. ठीक है, कमिंग टू द थर्ड कंडीशन, इट सेज अमॉन्ग द फोर रिक्रूट्स गीता हैड द लोएस्ट कंपोजिट स्कोर. हमें पता है जो फाइनली चार लोग रिक्रूट हुए हैं उनमें से गीता का लोएस्ट कंपोजिट स्कोर है, सो वी नो दैट फॉर श्योर गीता तो रिक्रूट हुई है. हम उन पे टिक मार देंगे जो रिक्रूट हुए हैं, फॉर श्योर गीता रिक्रूट हुई है, बट वी डोंट नो अवर कंपोजिट स्कोर येट, बट वी नो दैट आउट ऑफ दोस फोर शी हैज द लोएस्ट कंपोजिट स्कोर. फोर्थ वन सेज इंदु वॉज रिक्रूटेड, तो हमें पता है इंदु भी रिक्रूट हुई है. अब हमारे पास फोर्थ कंडीशन हमने पूरी कर ली. फिफ्थ वन सेज डी एच एन आई हैड द स्कोर, हैड द सेम स्कोर इन जीए, विच इज जीके में इन तीनों का सेम स्कोर था, डी आई एंड एच, लेट्स से दैट स्कोर वॉज एक्स, सो क्या बोलते, विल नॉट मेक इट विद ग्रीन, विल लेट्स मेक इट विद ब्लैक. ठीक है, तो लेट्स से इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स होगा एंड इधर भी एक्स होगा. डी एच एन आई एट द सेम स्कोर इन जी के, या फिर जनरल अवेयरनेस जी ए. ठीक है, तो फिर फिफ्थ वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया. नाउ कमिंग टू द सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट सेज इंदु एंड जतिन बोथ स्कोर 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन एंड जतिन कंपोजिट स्कोर वॉज 10 मोर देन दैट ऑफ इंदु. तो जे और आई जो हैं इन्होंने किसी एक सेक्शन में 100% स्कोर किया है. तो जतिन ने, हमें पता है डब्ल्यू ई में तो 100% स्कोर नहीं किया, उसने 16 किया है, जी ए में भी उसने 14 किया है, सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू स्कोर अ परफेक्ट स्कोर इज इन डी आई. तो हमें पता है उसने डी आई में 100% स्कोर किया होगा 20. अब इसके बाद हमें पता चल गया कि टोटल उसका कंपोजिट स्कोर निकल जाएगा, बिकॉज हमें तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं. व्हाट विल बी द कंपोजिट स्कोर, 20 × 2 + 16 + 14, ये उसका कंपोजिट स्कोर है विच इज 70. तो हमें पता है जतिन का जो कंपोजिट स्कोर है दैट इज 70 एंड इट हैज क्वालिफाइड ऑल्सो, क्वालिफाइड ऑल्सो वाई, बिकॉज उसका दो में, इनफैक्ट ऑल तीनों में 14 या उससे ज्यादा ही है स्कोर, तो जतिन हैज क्वालिफाइड. एंड वी नो दैट इंदु का जो कंपोजिट स्कोर है इट इज 10 लेस देन दैट ऑफ जतिन. अगर जतिन का कंपोजिट स्कोर क्या बोलते हैं 70 था, तो इंदु का कितना होगा 60. एंड वी नो दैट शी इज सिलेक्टेड ऑल्सो, द ऑब्वियसली शी इज क्वालिफाइड ऑल्सो. ठीक है, इतना अपने को पता चल गया अभी तक. हमने सिक्स कंडीशन भी देख ली है, अब आगे कैसे निकलेगा, हाउ विल वी सॉल्व इट फर्दर. हमें ये पता है कि जतिन के साथ साथ इंदु ने भी किसी एक सेक्शन में परफेक्ट स्कोर किया है विच इज 20 on 20. कैन दैट सेक्शन बी डी आई? इफ दैट सेक्शन बिकम्स डी आई देन लेट्स से इन केस वन इंदु ने डी आई में 20 on 20 स्कोर किया है, तो उसका कंपोजिट स्कोर कितना हो जाएगा, 20 का ये डबल हो जाएगा 40 + 8 = 48. एंड हमें पता है टोटल कंपोजिट स्कोर उसका 60 है, तो उसका जीके में कितना आया होगा, 60 - 48 विच इज 12. बट अगर उसका यहाँ पे 12 आया होता, कैन शी क्वालिफाई? उसका एक जगह 8 है एक जगह 12 है, विच इज लेस देन, दीज बोथ आर लेस देन 70% मार्क्स, एंड एज शी स्कोरिंग लेस देन 70% मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स शी कैन नॉट क्वालिफाई, बट वी नो शी हैज क्वालिफाइड बिकॉज शी इज अमॉन्ग द टॉप फोर, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, शी कैन नॉट स्कोर परफेक्ट 20 इन डी आई. सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर हर टू स्कोर अ परफेक्ट स्कोर इज वेयर, इन जी के. सो वी नो दिस एक्स इज 20, सो फॉर ऑल द थ्री पीपल दिस एक्स विल बी 20. ठीक है, दिस एक्स विल बी 20 फॉर ऑल द थ्री पीपल, विच इज वट डी एच एन आई, डी एच एन आई दीज ऑल आर 20. ठीक है, अब इससे हमें इंदु का डी आई का स्कोर भी पता चल जाएगा, बिकॉज 60 कंपोजिट स्कोर है, सो 2x, लेट्स से ये स्कोर है x,
तो 2x+8+20 विच इज 28 इज इक्वल टू 60। 2x कितना हो जाएगा 32, x कितना हो जाएगा 16, सो वी नो दैट दिस x विल बी 16। ठीक है, नाउ आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें और क्या क्या पता चल जाएगा? ये हमें दानिश का टोटल स्कोर पता चल जाएगा विच इज व्हाट, 2 × 8+15+20 विच इज हाउ मच 51, 16+15+20 51, एंड वी नो शी हैज क्वालिफाइड बिकॉज 2 में उसका 70% से ज्यादा है। ठीक है, अब बचे कौन कौन, गीता एच एंड बी और ए, ये सब बच्चे हैं हमारे पास जिनका अभी तक हमें डेटा नहीं पता पूरा। अब इसको आगे कैसे करेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे इंदु क्वालिफाई हुई है और गीता क्वालिफाई हुई है, और हमें पता है गीता का लोएस्ट स्कोर है, इंदु का कितना स्कोर था 60 एंड शी इज क्वालिफाइड एंड शी फाइन गॉट इन टू द फाइनल टॉप फोर। अगर इंदु टॉप फोर में है और वो क्वालिफाइड है तो जतिन तो डेफिनेटली होगी फॉर श्योर, क्योंकि उसका स्कोर इज मोर देन इंदु एंड शी इज क्वालिफाइंग ऑल्सो, सो ऑफकोर्स जतिन इज ऑल्सो इन टॉप फोर। हु एल्स विल बी इन टॉप फोर? वी नो दैट गीता इज इन टॉप फोर एंड उसका स्कोर है लोएस्ट, सो इवन इफ दिस इज 20, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज 20, वट विल बी द कंपोजिट स्कोर ऑफ गीता इफ दिस इज 20? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन नॉट बी 20 बिकॉज वी नो दैट अजय हैज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर, सो इट कैन नॉट बी 20 फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन बी एट मैक्स 19, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 19 इन दैट केस, इन द केस वेयर अजय हैज 20, इन दैट केस गीता कैन मैक्सिमम हैज 19 ओवर है, सो इन दिस केस वट विल बी द मैक्सिमम कंपोजिट स्कोर ऑफ गीता, द मैक्सिमम इट विल बी 2 × 14 28 प्लस 19 प्लस 6 विच इज हाउ मच 53, सो 53 इज द मैक्सिमम कंपोजिट स्कोर गीता कैन गेट, एंड वी नो दैट एस्टर हैज अ स्कोर ऑफ 58 एंड शी इज क्वालिफाइंग, सो वी नो दैट फॉर श्योर एस्टर विल ऑल्सो बी अमॉन्ग द टॉप फोर। अगर गीता है तो एस्टर तो होगी ही होगी, सो वी हैव फाइनली फिगर्ड आउट द टॉप फोर कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब वी हैव टू फिगर आउट कि आगे एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होंगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गीता, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अजय एंड बाला एंड हरिनी। ठीक है, सो इसके आगे कैसे जाएंगे, सो नाउ इफ यू लुक एट द कंपोजिट स्कोर ऑफ गीता, वी नो दैट गीता हैज बीन क्वालिफाइड एज फॉर टू रिक्रूट टू बी रिक्रूटेड एंड इट हैज टू हैज अमॉन्ग द टॉप फोर कंपोजिट स्कोर एंड वी नो दैट इट हैज द लीस्ट कंपोजिट स्कोर, दैट मीन्स इट वी नो दैट द मैक्सिमम कंपोजिट स्कोर गीता कैन हैव इज 53, सो जो लेट्स से कंपोजिट स्कोर ऑफ गीता इज जी, इट इज लेस देन इक्वल टू 53 एंड कंपोजिट स्कोर ऑफ दानिश इज 51 एंड शी इज क्वालिफाइंग एंड फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है नो टू कैंडिडेट्स कैन हैव द सेम कंपोजिट स्कोर, सो गीता का हैज टू बी मोर देन 51, सो इट हैज टू बी एटलीस्ट 52 क्योंकि दानिश से ज्यादा स्कोर करना है उसको तभी वो क्वालिफाई होगी, सो इट हैज टू बी एटलीस्ट 52 एंड लेस देन 53, सो वी नो दैट गीता का जो कंपोजिट स्कोर है इट इज ईदर 52 और 53, सो और गीता का ये 14 और ये 6 तो फिक्स है ही, सो विद दिस 28 एंड दिस 6 इज फ्री, दिस 28 एंड दिस 6 इज फिक्स्ड, द ओनली फैक्टर विच विल चेंज द कंपोजिट स्कोर ऑफ गीता इज दिस, ये बीच का फिगर जो 19 फिक्स नहीं है, अगर वो 19 होगा तो उसका कंपोजिट स्कोर कितना हो जाएगा 53, और अगर 18 होगा तो गीता का कंपोजिट स्कोर कितना हो जाएगा 52। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम अ केस जब उसका 18 है, गीता का लेट अस अज्यूम अ केस इसका स्कोर 18 है, ठीक है,
उस केस में ए के पास टू चॉइसेस हैं, या फिर वो 19 हो सकता है या फिर वो 20 हो सकता है, बिकॉज ए नीड्स टू हैव द हाईएस्ट स्कोर इन डब्ल्यूई। लेट्स से केस वन 19 वाला, केस टू 20 वाला। केस वन की अगर बात करें तो ए का कंपोजिट स्कोर कितना हो जाएगा, 8 + 2 × 19 + 16, विच इज 8 + 38 + 16, कितना हो गया ये, 38 + 8 कितना हो गया, 46 + 16 कितना हुआ, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, ये 2 × 19 नहीं, 2 × 8 होगा, 2 × 8 + 19 + 16, ये कंपोजिट स्कोर हो जाएगा केस वन में ए का, कितना हो जाएगा, 16 + 19 + 16 अगेन, विच इज हाउ मच, 51। कैन ए हैव अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 51? नो, बिकॉज दानिश हैज अ स्कोर ऑफ 51 ऑलरेडी, एंड नो टू कैंडिडेट्स कैन हैव द सेम कंपोजिट स्कोर, सो केस वन इज नॉट पॉसिबल। केस टू देख लेते हैं। केस टू में जब डब्ल्यू ई में ए का 20 आया है, तब उसका कितना हो जाएगा कंपोजिट स्कोर, 2 × 8 = 16 + 20 + 16, विच इज हाउ मच, 52। कैन ए हैव अ स्कोर ऑफ 52? 52 आना ये 16 + 16 + 20। हाँ, कैन ए हैव अ स्कोर ऑफ 52? यस, इट कैन हैव अ स्कोर ऑफ 52। तो लेट अस अज्यूम केस टू में इसका 52 स्कोर है, एंड इसका स्कोर कितना है, 20। यहाँ पे केस वन तो पॉसिबल नहीं है, तो केस टू हम ले रहे हैं वेयर ए का स्कोर इज 20 इन डब्ल्यू ई, डीए में उसका 8 है, जीके में उसका 16 है। तो इस केस में जीके गीता का स्कोर कितना हो जाएगा, अगर जब हमने 18 लिया है, 2 × 14 = 28 + 18 + 6, कितना हो गया ये, 52 अगेन। कैन दिस बी 52? कैन बोथ ऑफ दीज बी 52? नॉट पॉसिबल। सो जब हम इसको 18 अज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसका स्कोर 52 ऑलरेडी बन रहा है। सो ए ना केस वन पॉसिबल है उसका, ना केस टू पॉसिबल है उस केस में उसका। सो इसका मतलब क्या है, गीता कैन नॉट हैव 18 एज हर स्कोर इन डब्ल्यू ई, इट हैज टू बी वट, इट हैज टू बी 19, इट हैज टू बी 19, क्योंकि उसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, या फिर तो 19 होता और 53 बना देता, या फिर 18 होता और 52 बना देता उसका कंपोजिट स्कोर। बट जब उसका 52 बन रहा है, वी सॉ दैट बोथ द केसेस ऑफ अजय आर फेलिंग, सो इसका 18 तो हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी 19। एंड इफ इट इज 19, द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर अजय इज 20, बिकॉज इट नीड्स टू हैव मैक्सिमम। तो जब गीता का 19 है, तो उसका कंपोजिट स्कोर कितना हो गया, मैक्सिमम, विच इज 53, एंड शी इज क्वालिफाइंग। अजय का स्कोर कितना हो जाएगा, 16 + 20 + 16, विच इज हाउ मच, 16 + 16 + 20, विच इज हाउ मच, 52, एंड ही इज क्वालिफाइंग टू। ठीक है, एंड इसका 53 है, सो ऑफकोर्स इट्स इन द टॉप थ्री और टॉप फोर ऑल्सो। सो नाउ वी हैव मेट द सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो, द थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो, फर्स्ट वाला अभी हमने ऑल मीट कर ही लिया है। तो हमने कौन सी डेटा अभी तक नहीं निकाल पाए हैं फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स, दैट आर ऑफ बाला, ये हम पूरा नहीं निकाल पाए हैं, एंड हरिनी, ये हम पूरा नहीं निकाल पाए हैं, बाकी सबका हमने डेटा निकाल लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू में क्या है, जतिन्स कंपोजिट स्कोर वॉज मोर देन दैट ऑफ दानिश, जतिन का हाईएस्ट कंपोजिट स्कोर है, इट इज ऑफकोर्स मोर देन दानिश बिकॉज जतिन क्वालिफाई हुआ है, सो दिस मस्ट बी ट्रू, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है ही। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंदू स्कोर्ड लेस देन चेतना इन डीआई, इंदू का डीआई में कितना था, 16, चेतना का डीआई में कितना है, 19, सो सेकेंड भी ट्रू है। जतिन स्कोर्ड मोर देन इंदू इन जीए,
इंदु का जीए में 2120 है, जतिन का 14 है, सो ऑफ कोर्स द थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो इसका आंसर क्या है, बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द थर्ड इज नॉट ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स। बाला स्कोर्ड सेम एज जतिन इन डीआई, डीआई में बाला का जतिन जितना हो सकता है क्या? लेट्स से बाला का 20 होता डीआई में, तो उसका ओवरऑल स्कोर कितना बन गया, 40 प्लस 9 प्लस 11 विच इज हाउ मच, 60। बट स्टिल इट इज बीइंग डिस्क्वालिफाइड, क्यों? क्योंकि उसके दो में 14 से कम है, सो इट कैन हैव अ स्कोर ऑफ 60। वी वोंट से कि ये तो टॉप फोर में आ गया क्योंकि ये डिस्क्वालिफाई हुआ है, सो दिस इज पॉसिबल। इवन दो इट विल हैव अ स्कोर ऑफ 60 एंड बी इन द टॉप फोर, बट इट इज नॉट मीटिंग द 70% वाला क्राइटेरिया, सो इट विल स्टिल नॉट गेट सिलेक्टेड टू गेट रिक्रूटेड। सो दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल दैट ही कैन हैव अ स्कोर ऑफ जतिन इन डी आई। हाँ, सो ये मस्ट बी फॉल्स तो होना नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड क्या कह रहा है, बालास कंपोजिट स्कोर वॉज लेस देन दैट ऑफ एस्टर। एस्टर का कंपोजिट स्कोर कितना है, 58 है, एंड ऑफकोर्स बाला का हमें कुछ आइडिया नहीं है और वो क्वालिफाई भी नहीं हुई है, तो यस इट कैन बी दैट लेस देन दैट ऑफ एस्टर ऑब्वियसली। सो ये मस्ट बी फॉल्स तो नहीं है। चेतना स्कोर मोर देन बाला इन डीआई। चेतना का अगर हम देखें उसने बाला से ज्यादा स्कोर किया इन डीआई, विच इज अगेन पॉसिबल, ठीक है, उसने 19 स्कोर किया है, हो सकता है बाला का 19 से कम हो डीआई में। लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, हरिनीस कंपोजिट स्कोर वॉज लेस देन दैट ऑफ फलक। फलक का कंपोजिट स्कोर कितना है, 47। हरिनी का कंपोजिट स्कोर कितना होगा, कैन इट बी लेस देन 47? यस इट कैन बी लेस देन 47, तो ये तो सारी स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा? वन थिंग विच वी मिस्ड वॉज, अगर हम बाला का देखें, कैन ही स्कोर सेम एज जतिन? यस ही कैन, वाई कांट ही स्कोर 21-20 इन डीआई? उसका 21-20 आ सकता है बिकॉज एनी वे वो डिस्क्वालीफाई हो ही रहा है, उसका 9 और 10, 9 और 11 है, लेस देन 70% इन टू सेक्शंस, बट अगर उसका 20 आया, सो वॉट विल बी द कंपोजिट स्कोर ऑफ बाला? 2 into 20, 40 प्लस 9 प्लस 11 विच इज हाउ मच, 60। बट कैन बाला हैव अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 60? वी नो दैट इंदु का कंपोजिट स्कोर कितना है, 60, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट नो टू कैंडिडेट्स कैन हैव द सेम कंपोजिट स्कोर, सो ऑफ कोर्स बाला कैन नॉट हैव अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 20। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सेज इफ ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट अजय एंड दानिश हैड डिफरेंट मार्क्स इन डी आई एंड बालाज कंपोजिट स्कोर वॉज लेस देन चेतनाज कंपोजिट स्कोर, देन वॉट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट बाला कुड हैव इन डी आई? वी नो दैट ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट ए एंड डी, ए एंड डी का डी आई में कितना है, 8 and 8। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ऑफ देम हैड डिफरेंट स्कोर इन डी आई एंड बालाज कंपोजिट स्कोर वॉज लेस देन दैट ऑफ चेतनाज कंपोजिट स्कोर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स बाला कैन हैव इन डीआई? चेतना का कंपोजिट स्कोर कितना है, 54, सो बाला का कंपोजिट स्कोर हैज टू बी लेस देन 54, ठीक है। सो बाला का कंपोजिट स्कोर कितना होगा, लेट्स से ये एक्स है जो हमें निकालना है, 2x प्लस 9 प्लस 11 बेसिकली 20 शुड बी लेस देन 54, सो 2x should be less than 34, x should be less than 17, 17 से कम होना चाहिए, yes or no? So अगर वो x 17 से कम होगा
कैन इट बी 16? नो, हिंदू ऑलरेडी हैज 16, ऑल द स्कोर नीड्स टू बी डिफरेंट. कैन इट बी 15? नो, फलक ऑलरेडी हैज 15. कैन इट बी 14? नो, गीता ऑलरेडी हैज 14. सो द नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्स इज 13. नेक्स्ट पॉसिबल यूनिक वैल्यू, 13 से पहले सारे के सारे बुकड हैं, 14, 15 एंड 16. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, 13. द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्स ओवर हेयर इज, वेयर एक्स इज द डी आई स्कोर ऑफ बाला, इज हाउ मच? 13. प्रेटी सिंपल क्वेश्चन है ये तो. 13. ठीक है, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द कैंडिडेट स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन WE, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट हरिनी कुड हैव स्कोर्ड इन WE. सब कैंडिडेट्स के वही सेम क्वेश्चन एज थर्ड वन, सब कैंडिडेट्स के डिफरेंट मार्क्स है, बट इंस्टेड ऑफ डी आई वी आर टॉकिंग अबाउट WE ओवर हेयर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट हरिनी कुड हैव स्कोर्ड इन WE. लेट्स से WE के हरिनी में दिस टाइम एक्स है, लेट्स से हरिनी के एक्स है, वॉट इज द मैक्सिमम मार्क्स हरिनी हरिनी कुड हैव स्कोर्ड? कैन इट बी 20? नो, बिकॉज 20 ऑलरेडी टेकन है, एंड ऑफकोर्स कंडीशन में भी गिवेन था कि यूनिक हाईएस्ट स्कोर अजय का है. 19 भी टेकन है, 18 भी टेकन है. कैन इट बी 17? अगर 17 होता हरिणी का कंपोजिट स्कोर कितना हो जाता? 2 × 14, सॉरी 2 × 5, विच इज 10, प्लस 17 प्लस 20, विच इज हाउ मच? 47. कैन हरिणी हैव अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 47? नो, बिकॉज फलक ऑलरेडी हैज इट, तो 17 तो हो नहीं सकता है. कैन इट बी 16? नो, बिकॉज जतिन ऑलरेडी हैज अ स्कोर ऑफ 16. कैन इट बी 15? नो, दानिश ऑलरेडी हैज अ स्कोर ऑफ 15. कैन इट बी 14? अब 14 देखते हैं, अगर 14 होता यहाँ पे तो उसका कंपोजिट स्कोर कितना हो जाता? 10 + 14 + 20, विच इज हाउ मच? 44. कैन शी हैव अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 44? हरिनी, यस, बिकॉज और किसी का 44 नहीं है, तो इसका 44 हो सकता है. सो वॉट इज द मैक्सिमम मार्क्स शी कैन हैव इन WE? आंसर इज 14. ठीक है, अगेन अ प्रेटी सिंपल क्वेश्चन. सो आई होप द फॉलोइंग सेट वॉज क्लियर टू यू. फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द फॉलोइंग नंबर, और यू कैन रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप और द गिवन ईमेल आई डी. थैंक यू.